हेडलाइंस रुपए चुको रौनक है तुमसे डायमंड्स बाय किम जे ज्वेलर्स सिंस 1936 विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा परलोक रे सारा देश में शोकर छाया राष्ट्रीय मर्यादा सह मुंबई रहिला अंतिम संस्कार शेष दर्शन कले गृहमंत्री अमित शाह मुकेश अंबानी और अनेक विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनाइले शोक बार्ता किए हेबो रतन टाटा उत्तराधिकारी चर्चारे संपर्कीय भाई नोएल टाटा नोएल का झियो माया और लेह टाटा को भी नहीं चर्चा सेपटे 31 वर्षीय शांतनु नायडू थिले टाटा घनिष्ठ बंधु कुकुरंकु भल पाई टाटा नजर को आसीथिले शांतनु मागणा राशन चाउलर अवधि वृद्धि नहीं केन्द्र निष्पत्ति परे ओडिशा करिबाकु जाउछि विधिवद्ध घोषणा खाद्य जोगाण मंत्री कहिले 2028 डिसेंबर जाए ओडिशा रे भी मिलिबो विटामिन युक्त मागणा चाउल निज पसंद अनुसार अधिक चाउल किंबा गहम नहीं पारे हिताधिकारी दलरु इस्तफा देले कटक बारवाटी बीजेडी प्रार्थी प्रकाश बेहरा कहिले टांगी सालेपुरवासी सेवा करने निष्पत्ति मर्यादाजनक आसन लड़ा को सुजोग नवीन को देले धन्यवाद थाना भितरे पशि पुलिस बाबू को धमकाइले महिला आंगुठी देखाई बोतल फोपाड़ा सह फिंगिले चेयर पुरुष बंधु को तुरंत खोजी आणवाक देउथिले अर्डर चुपचाप बसि वीडियो शूट कला पुलिस रुजु हेला मामला केन्दुझर रे सुना खणिथिबा नै विधानसभा रे सरकार कर उत्तर परे केन्दुझर जाए नमूना संग्रह कले सरकारी अधिकारी 80 मीटर तले सुना थिबा नै अनुमान असंता मार्च सुधा जंगलर 25 टी स्थान रे खोला जिवो 3000 मीटर ओडिशा रे आरंभ होइगलाणी दुर्गा पूजार धूम प्राय 3000 मंडप रे पूजा पाउछंती मां दुर्गा आलोकमाला और तोरण से सजे हुई सारा राज्य कोलकाता रा मुख्य आकर्षण पूरी श्रीमंदिर भली तोरण हेडलाइंस प्रायोजक रौनक है तुमसे डायमंड्स बाय किम जे ज्वेलर्स सिंस 1936 दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सहित तो आमरी ओडिशा को स्वागत करुछि मु मानस बुलेटिन आरंभ करिबा सबुठारे चर्चारो हेउथिबा सही बड़ खबर सारा भारत आज शोकर छायारे बुड़ी जाइछि कारण देशर सबुठारो बड़ एवं सबुठारो हृदयवान शिल्पपति रतन टाटा उनाहंती गतकाल राति 12टा मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे तांकर निधन हो जाइछि साधारणतः जने शिल्पपतिर कथा आसिले साधारण लोके एक भिन्न दृष्टिकोणर देखन्ते किंतु रतन टाटांक कथा आसिले समस्ते श्रद्धार सह ग्रहण करन्ते कारण एही व्यक्ति जणक गरीब ठारु धनी जाए समस्तक श्रद्धार पात्र होई पारिछन्ते लुण ठारु आरंभ करी एयर इंडिया पर्यंत देशर सबु ठारु बड़ व्यावसायिक साम्राज्य गढ़ी रतन टाटा आउ सबुथिरे विश्वास और भरोसा जीति पारिथिले एही व्यक्ति तांकर मृत्यु रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछन्ती देश जणे राष्ट्र निर्माणकारी और कॉर्पोरेट जगतर विशिष्ट शिल्पपति को हराइछि प्रधानमंत्री मोदी कहिछन्ती रतन टाटा जणे असाधारण व्यक्ति थिले विशिष्ट शिल्पपति मुकेश अंबानी कहिछन्ती रतन टाटांकर वियोग केवल टाटा ग्रुप पई नहे सब भारतीयंक पई एक बड़ क्षति गोटे जुगर अवसान आउ से ही व्यक्ति को शेष सम्मान जन सारा देश
मुंबईर वर्ली श्मशान में संपन्न होई रतन टाटा शेषकृत्य संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सहकारे रतन टाटा को शेष विदाय देशवासी। बुधवार दिन मुंबईर एक घर हस्पिटाल रतन टाटा परलोक होता 86 वर्ष बयस चिकित्साधीन अवस्था से शेष निश्वास त्याग करते बिजनेस टाइकून का परलोक देशव्यापी शोकर छाया 1937 तत्कालीन बॉम्बे जन्म होते रतन आ 1991 रु 2012 जाए से टाटा ग्रुप अध्यक्ष मुंबई नरिमन पॉइंट रतन टाटा शेष दर्शन करते हजार हजार जनता शेष दर्शन पाई पहुंची गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र मंत्री पीयूष गोयल एवं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेता सेपरी रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी कुमार मंगलम बिर्ला समेत अनेक शिल्पपति रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि जनाइले सेपटे आमिर खान भड़ी बॉलीवुड अभिनेता भी रतन टाटा शेष दर्शन करते We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle. Always he is talking about the nation. He proved it. He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, not just for corporate India but for the country as a whole. I think the impact of his work is quite unparalleled. And I think we should remember him through the richness of his work. रतन टाटा वियोग शोक व्यक्त कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते रतन टाटा एमती जड़े उद्योगपति जी अन्ई जी से सचोट नैतिक दयाड़ और सद्भावनार प्रतीक प्रधानमंत्री कहते स्वप्न देखा अन्को कि देवार प्रगाढ़ इच्छा रखुवा व्यक्ति हेले रतन टाटा से जड़े दूरदृष्टि संपन्न व्यवसायी दयाड़ आत्मा और जड़े असाधारण मनीष थे विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहते रतन टाटा व्यवसाय और परोपकार एक उल्लेखनीय छाप छाड़ जा रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी कहते रतन टाटा वियोग केवल टाटा ग्रुप पर नुहे बर प्रति भारतीयों पर एक क्षति से टाटा ग्रुप को दुनिया को नहीं और दुनिया को भारत को आनी से मो हृदय सबुबले रे सेपरी मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते देश जड़े दूरद्रष्टा को हरला केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उल्लेख कर रतन टाटा जड़े सहृदयवान व्यक्ति थे परोपकारी काम मन राज्य बीजेपी सभापति कहते रतन टाटा वियोग देशपाई अपूरणीय क्षति आ विरोधी दल नेता नवीन पटनायक कहते से उद्योग जगतर उज्जवल तारका थे रतन नेतृत्व आगामी पीढ़ी को प्रेरणा देव सारे रतन टाटा जो अवदान सब सबुदिन ओडिशार लोक मन रखे एवं भारत बर्षर अर्थनैतिक विकास दिगरे गोटे भूमिका सबुदिन मन रशरीर आउ ना रतन टाटा किंतु प्रति भारतीयों हृदय से अच्छा सबुदिन रही टाटा प्रति भारतीयों घरे घरे एक परिचित नाम सल्ट्रु सॉफ्टवेयर सबुठ रही टाटा ग्रुप छाप तेणु मृत्यु पर भी रतन टाटा जे सबुदिन अमर एक अस्वीकार करे ना आकाशे उड़ुले रतन हेले से केवे भूमि छाड़ संभवतः देशवासी मनरे कंपानी मैंने प्रथम आसुला टाटा शिल्पायन मध्यम भारतर एवं भारतीयों अर्थनीति को मजबूत करिबारे टाटा ग्रुप्र रही अतुलनीय अवदान लोकों आर्थिक स्थिति सुधारिबारे टाटा ग्रुप्र जेतिके अवदान रही ठीक से ही परिमाणर अवदान रही लोकों सामाजिक और शैक्षिक स्थिति सुधारिबारे हजार हजार कोटीर मालिक हेले जड़े साधारण मनीष भड़ी आचरण जहाँकि वर्तमान जुगरे विरल मृत्यु पूर्व समस्त गोटे मेसेज छाड़ी रतन टाटा ताहेला थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 ओडिया।
आग को किए किए संभालिबे टाटा सन्स रतन टाटा मृत्यु परे एबे तांकर उत्तराधिकारी को ने आरंभ होई चर्चा एबे एन चंद्रशेखरन अछंती टाटा सन्स अध्यक्ष हेले से उत्तराधिकारी न हेबार संभावना अधिक सेबडे रतन कर भाई नोएल टाटा नाम मध्य चर्चा होउछि सेहिपरि नोएल टाटा तीन संतान नेविली लेह एवं मायांक मध्यरु केही उत्तराधिकारी को बाछी पारंती बोली कहुच्छे तेरे से मधरे लेह टाटा और माया टाटा रेस रे आगरे थिबा कह लेह टाटा 2006 टाटा ग्रुप रे जोग देइथिले एबे से इंडियन होटल्स कंपनी रा वाइस प्रेसिडेंट अछंती सेहिपरि माया टाटा एवं टाटा कैपिटल्स रे कार्यरत अछंती रतन टाटा निधन परे तांको ठारु 55 वर्ष स्थान किंतु सबु ठारु घनिष्ठ बंधु शांतनु नायडू को नहीं एवं चर्चा रास्तारे बुलुथिबा बुला कुकुरंकु भल पाए रतन टाटा नजर को आसीथिले शांतनु देखंतु कौन थिला से कहानी रतन टाटा सह 31 वर्षीय युवक शांतनु नायडू उपरे एबे समस्त नजर रतन टाटा ठारु प्राय 55 वर्ष स्थान ए युवक सह टाटा बंधुता इत्ते बढ़ी जाइथिला जे अनेक विश्वास करिपार नथिले रतन टाटा परे तांकर उत्तराधिकारी किए हेबो ताकु नै चर्चा चलिथिबा बेले एही युवकक ना एबे जातीय गणमाध्यम रे शिरोनामा मंडन करछि I think it's more generational than just Mr. Tata. This been 5 generations of my family. I'm the 5th generation who is working for the Tatas. All the generations before me had regular general roles like an engineer here or a maintenance engineer there, starting from my great grandfather. पुनारे थिबा बेले शांतनु गुटिए कथा को बेस गुरुत्व दिथिले रास्ता रे बुला कुकुर गुडीक दुर्घटना रे प्राण हराउथिले या तांकु बेस बाधिथिला कुकुरंकु दुर्घटना रु बचाइबा पई तांको बेकरे रेडियम कलर लगाइबा पई से को उद्यम आरंभ कले एति पई से रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखिले किंतु से जानि नथिले जे रतन टाटा इत्ते शीघ्र तांको उत्तर देबे मात्र किछि दिन भितरे रतन टाटा तांको डकाइले एवं एही प्रोजेक्ट को निज हाथ को लिखले शांतनु को उद्यम रे से इत्ते खुशी हो जाइथिले जे टाटा ग्रुप रे जोग देबा को तांको आमंत्रण करथिले खूब शीघ्र शांतनु नायडू टाटा ग्रुप रो सर्वकनिष्ठ जनरल मैनेजर बनि गले यहाँ शांतनु रतन टाटा अति घनिष्ठ हो गले एवं शांतनु विचारधारा को रतन टाटा बेस भल पाते रतन टाटा कुकुर को केते भल पाते केते स्नेह करुले गोटे घटना आपण माने अनुमान करि पारुथिबे 2018 रतन टाटा को ब्रिटेन राजपरिवार प्रिंस चार्ल्स ठारु एक निमंत्रण आसला बंकिंगहाम पैलेस रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देवाई निमंत्रण कर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पक्ष पुरस्कार प्रदान कर किंतु रतन टाटा एक पोषा कुकुर सेतेबेळ असुस्थ हो पड़ा यह घटन रतन टाटा पुरस्कार प्रदान उत्सव को जीवे ना बोली निष्पत्ति ने कारण रतन टाटा उत्सव को जीवे ना बोली प्रिंस चार्ल्स नजर को अणागला प्रिंस चार्ल्स कुकुर प्रति टाटा श्रद्धा को बेस प्रशंसा कर मागणा राशन चाउलर अवधि वृद्धि नहीं केन्द्र निष्पत्ति परे ओडिशारे मध्य एने विधिवद्ध निष्पत्ति हेबाकु जाउछि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे केन्द्र सरकार 2028 डिसेंबर पर्यंत मागणा चाउल जोगाई देबाकु निष्पत्ति नेइछंती एहा परे न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार दे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती 2028 डिसेंबर जाए ओडिशारे मध्य मिलिबो विटामिन युक्त मागणा चाउल एने खूब शीघ्र विधिवद्ध घोषणा हेबाकु जाउछि कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दुहजार 28 डिसेंबर पर्यंत जातीय खाद्य सुरक्षा योजना मिलिबो विटामिन युक्त मागणा चावल
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन आहरी 4 वर्ष भिटामिन युक्त मागणा चाउल देवा निष्पत्ति नहीं केन्द्र कैबिनेट। बुधवार केन्द्र सरकार निष्पत्ति परे राज्य सरकार निजस्व योजन भी बढ़ मागणा चाउल अवधि। केन्द्र सरकार परी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी 2028 डिसेंबर पर्यंत राज्य सरकार देवे मागणा चाउल। एने खुब शीघ्र विधिवत निष्पत्ति ने सरकार। वर्तमान खाद्य सुरक्षा योजन प्राय 3 कोटी 35 लक्ष अधिक हिताधिकारी मिलू मुंडपिछा 5 केजी मागणा चाउल। जातीय खाद्य सुरक्षा योजन राज्य में प्राय 3 कोटी 26 लक्ष हिताधिकारी राज्य खाद्य सुरक्षा योजन अच्छा प्राय 9 लक्ष हिताधिकारी। 2022 मसीह जातीय खाद्य सुरक्षा योजन केन्द्र सरकार पर्यायक्रमे विटामिन युक्त मागणा चाउल जोगाउथिबा बेले राज्य सरकार भी निजस्व योजन जोगे आसुछंती मागणा चाउल। केन्द्र सरकार पुनर्बार 2028 डिसेंबर पर्यंत योजना जारी रखा निष्पत्ति नहीं थिबारु राज्य सरकार मध्य निजस्व योजन जोगे देवे चाउल। राज्य एवं केन्द्र जोटा एनएफएस जोटा बढ़ीगला सेटारे आम आडजस्ट करूँ जदि एनएफएस सरीगला पुणी स्टेट जो स्कीम्रे भर्ती करूँ जो मैंने प्रकृत हिताधिकारी हवा योग्य से आम कभर करूँ संख्या जिते होना कहीं सरकार चिंतार अच्छे योजनार अच्छी जमी इक्वाइज सर जो मैंने अप्लाई कर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर। चलित मासरो राज्य सरकार प्रति परिवार को चावल सह गहम जोगेबा को निष्पत्ति नहीं। केन्द्र सरकार गहम जोगाण आरंभ करथिबा बेले चलित मासरो हिताधिकारी को मिलिबो चावल सहित गहम। केन्द्र सरकार 20% गहम देउथिबारु हाराहारी परिवार पिछा 20% गहम देबा को व्यवस्था करिबे राज्य सरकार। किंतु हिताधिकारी को पसंद मुताबक जो माने गहम न नेबे सेमानको केवल चावल देबारे भी सरकार व्यवस्था करिये बोली कहिसंती विभागीय मंत्री। लोक एबे गहम मागुछंती कारण अनेक लोक डायबिटीज पेसेंट अच्छा आर गहम खाइबा अभ्यास लोक धीरे धीरे ओडिशा रे बढ़ी तेणु से कनसीडर कले गहम आसवा आरंभ होनुपातिक हिसाब से माने सरकार अफिसर मैंने बसवे बसिक कौटी कौ अनुपात दिजिव तार व्यवस्था से करेंगे जमा गहम ने चाउल दिजो किसी लोक अधिका गहम ने गहम दिजिव सेमती किसी ना। वर्तमान ईकेवाईसी चालू रहता बेले 2 कोटी 30 लक्ष हिताधिकारी सरला ईकेवाईसी बाकी प्राय कोटे हिताधिकारी ईकेवाईसी मासक भितर सारे टार्गेट रखिंट सरकार। यह प्रक्रिया सरपे नुआ कार्ड अपेक्षार 10 लक्ष हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा योजन अंतर्भुक्त प्रक्रिया आरंभ हो। भुवनेश्वर कैमेरामैन संजय साहू अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। बीजेडी छाड़िले बीजेडी नेता प्रकाश बेहरा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक इस्तफा पत्र पठाई प्रकाश आखिंट बहु चिंतन परे मु विजु जनता दल प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देउछि बारवाटी कटक भली सम्मानजनक आसन प्रार्थी कर नवीन को कृतज्ञता जनाइबा सह नवीन नेतृत्व को सम्मान जनाई से कहते जेहेतु मुझे राष्ट्रीय चिंताधार विश्वास रखुवा और जनसाधारण समस्या विकास और संगठन सहित जोड़ी हो रही व्यक्तित्व तेणु एभली निष्पत्ति ने उचित मन कली बारवाटी कटक जनता अति स्वल्प समय मध्य जो भाव में मत समर्थन देते कृतज्ञ कटक्र जनसाधारण और कर्मकर्ता कटक्र समस्या बाबद्रे मोर आवश्यकता जितेबले अनुभव करे मुर कर्तव्य प्रतिपादन करार अवहेला करी ना चलित निर्वाचन रे कटक बारवाटी बीजेडी टिकेट रे लड़ी थिले प्रकाश मोर एवं मोर समर्थक मानकर निष्पत्ति बहुत चिंता कला परे इस्तफा देचु एवं सिपाई मध्ये मु धन्यवाद निश्चिंत भावरे जणाई मते बारवाटी कटक रु निर्वाचन लड़िया पई से जो नवीन पटनायक सुजोग देथिले सेति में तंको बहुत धन्यवाद जणउछि तंका प्रति मोर कोनोसी विद्वेष नाही सम्मान अछि मो कटक बारवासीवासी को मध्य कृतज्ञता जनाउछि से खुब कम दिन भीतर मते समर्थन देइछन्ती टांगी सालेपुर सह जेतु मु दीर्घ 25 वर्ष धरी जड़ी होइकि आसीछि सुख दुख रे सामिल होइकि आसीछि एवं सेमाने मध्य मते विभिन्न समय रे आशीर्वाद करिछन्ती त सेमानक संगे रहिया पई मु निष्पत्ति करिछि वर्तमान पई मो बिजु जनता दल रो प्राथमिक सदस्य रु इस्तफा देइछि।
हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। भुवनेश्वर सालिया साहिरे देखिबा कि अपकारी विभाग पक्षरु रेड करा दैछि। चढ़ाव बेले विपुल परिमाण देशी मद जबत करा दैछि। कार भितर लुक्चाई रखा जाइतला ए सब मद को पूजा पचारे मद बिक्री पई बड़ योजना करा जाइतला। सात जनों को गिरफ करी अधिक छानबीन करुछ अपकारी विभाग। आठगड़ विपुल परिमाण देशी मद जबत करा जाइछि। खुंतुणी थानार खंडवाड़ा सरस्वतीपुर ग्राम से पुलिस रेड कर मद जबत करने सहित 1000 लिटर देशी मद जबत कर। समस्त देशी मद को नष्ट खुंतुणी पुलिस एस देशी मदर व्यवहृत पोच को जबत कर। देशी मद बिक्री करने घटन दुईज को गिरफ्त कर पुलिस। अदिनिया डंगा भसा आरआई और अमीन परीक्षा में व्यापक दुर्नीति और अनियमितता अभियोग कर स्टूडेंट एगेन्स्ट करप्शन संगठन पक्ष कटक में अभिनव ढंग से प्रतिवाद करा। परीक्षा बातिल दावी करी संगठन सदस्य मैंने कटक नेताजी बस टर्मिनाल सम्मुखे काठजोड़ी नदी में आर्मी। ब्रेक परे स्वागत। भुवनेश्वर खंडगिरी थाना मद्यप महिलाओं उत्पात। पुरुष बंधु को खोजी आने थाना जिद धरले महिला। तीन घंटा धरी थाना उत्पात कले। ड्यूटी में पुलिस को गाली गुलज कले जार विजुअल सोशल मीडिया रे भाइराल होता। सेपटे घटना परे पुलिस एक मामला रुजु कर जमापड़। खंडगिरी थाना रे हाई ड्रामा। थाना भितरे महिला उत्पात। तीन घंटा पाई पुलिस को नाकेदम कले महिला। सोशल मीडिया रे खूब जोर रे भाइराल होता वीडियो टी हुछि भुवनेश्वर खंडगिरी थाना। थाना भितर चेयर रे गोड़ उपर गोड़ पकाई एही महिला जनक पुलिस को धमक दे बारंबार कहुथांति मो धन को खोजी आण। पुलिस कहुथाए तांकर नंबर दियंतु किंतु महिला जनक कहुथांति पानी बोतल रो ठिपी खोली आग मते पानी पियाओ तापर कहबी। एही कथा को मोबाइल रे शूट करुथांति थानार अन्य केही जने कर्मचारी। महिला कारनामा शुणिले आपण भी आश्चर्य हो। सोमवार राति प्राय गोटाए हठात महिला जनक खंडगिरी थाना पहुंची निज पुरुष बंधु को खोजी आने को पुलिस को कहते। केवल से नुहे पुलिस को गालीगुलज भी करुले और तीन घंटा धरी ड्यूटी पुलिस कर्मचारी को नाकेदम करुले। किसीदिन पूर्वर भरतपुर थाना घटन कमिशनर पुलिस बेस बदनाम होता काले परिस्थिति बिगड़ी जाए पुलिस बेस संयमता आचरण करुला। महिला जनक जिते उत्पात करुले पुलिस जाणीशु चुप रहा। गोटे वीडियो जो जनक महिला थाना भितर बसी दुर्व्यवहार करुचंती पुलिस कार्यरत पुलिस कर्मी को से तार हस्तगत होता। से विषय आम संज्ञान नहीं आईन अनुजाई जहाँ भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करुद्ध कर। दीर्घ तीन घंटा महिला को बुझासुझा करने परिस्थिति शांत पड़ा। पर जमापड़ा महिला जनक निज पुरुष बंधुक बुलाक जाते फेर समय स्कूटी जयदेव विहार निकट में दुर्घटना घटाई जहाँ पुरुष बंधु को रागि घटनास्थल पलाई जाते। महिला जनक सीधा खंडगिरी थाना को आसी धन को खोजी आने जिद धरते। सेपटे वीडियो वायरल पर महिला मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर पुलिस। भुवनेश्वर दीपक सामल
ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁନା ଖଣିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇ ମାଟି ତଳୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ମାଟିର 80 ମିଟର ତଳେ ସୁନା ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲର 25 ସ୍ଥାନରେ 3000 ମିଟର ଖୋଳି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ମାଟି ତଳେ ସୁନା, ମାତ୍ର 80 ମିଟର ମାଟି ତଳେ A1 ସୁନା। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ସୁନା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଜଳଡିହା ଗାଁ ନିକଟ ସୁନା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ତଳୁ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମାଟି ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା କିଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ। କୁହାଯାଉଛି ଜଳଡିହା ସୁନା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲର 80 ମିଟର ମାଟି ତଳେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 2 ସ୍ଥାନରେ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲର 25 ସ୍ଥାନରୁ 3000 ମିଟର ଯାଏଁ ଖୋଳି ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। हम लोग सोना बोरिंग करके टेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ एक ग्रेड का सोना मिलता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। हम लोग आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस जो हमारा कहता है 30 साल का, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ का एक ग्रेड का सोना। 70 मीटर 80 मीटर बाद सोना भर बोले कहला बांसपड़ा ब्लक किसी लोक जो गरीब अनुष्ठान अच्छा से समस्ते चल कम कर पारे ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଲୋକେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ତଳୁ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଖଣି ରଖାଯାଇଛି। 80 ଦଶକରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଗତ 2 ଧରି ଏଠାରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାକାର ସୁନାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଠାରେ ସୁନା ଖଣି ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଚଳଡିହା ଗାଁରେ ସୁନା ଖଣି ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଳୁଛି ଆମର 70-80 ମିଟର ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଚାଲୁଛି 120 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଉଛି, ସବୁ ହଲ୍ ବରାବର ସେମ୍ ନାହିଁ ଆମର। ସେ ଚାଲୁଛି କଣ୍ଟା 150, କଣ୍ଟା 140, 120 ବେଶୀ ଭାଗ ଚାଲୁଛି। ଏଇ 11 ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର ଦେଇଛି 250 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା 4 ଟଙ୍କାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି ମାନେ 522 ଟଙ୍କାରେ। ସୁନା ଖଣି ହେଲେ ଖାଲି ଜଳଢିଆ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଏରିଆରେ ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ କେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ କେବେ ଏଠାରେ ସୁନା ଖଣି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଁସପାଳ ବ୍ଲକ ଜଳଡିହା ଗାଁରେ ହେବ ସୁନା ଖଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସୁନାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସୁନାର ନମୁନା ଏ ଗ୍ରେଡ଼ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଳଡିହା ସୁନା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। In association.